मम्मी जी, एक बहुत ही सीरियस नोट पे बात करना चाहती हूँ। अगर मेरा रिश्ता और मानस का हो जाता है, दुनिया, मीडिया, आसपास वाले पड़ोसी, विजयनगर के लोग, आपके परिवार वाले लोग, सबको आप कैसे फेस करेंगे? क्योंकि लोगों ने मुझे एक खिताब दिया हुआ आइटम गर्ल का, हालांकि मैं अपने आप को एक्ट्रेस मानती हूँ क्योंकि सॉन्ग्स करती हूँ, गेस्ट अपीयरेंस होता है, स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस, तो कैसे रिएक्ट करेंगे आप? हम पांच लोग अगर हमारे आपस में अंडरस्टैंडिंग है तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी की परवाह करेंगे। तो बिल्कुल भी नहीं, का सामना कर लेंगे। बिल्कुल कर ले, आपको नहीं लगता कि मैं सामना कर सकूं? आप कर सकते हो, बिल्कुल कर ले। पूरा पापा, आपके जो बैंक में आपके जो फ्रेंड सर्कल है, अगर वो आपको कहेंगे कि आप एक आइटम गर्ल को बहू बना के लेकर आए, पापा आप कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या होगा? आइटम गर्ल को बहू बना के ले आए ना, अब बहू तो आइटम गर्ल नहीं है, खत्म हो गई ना वो। सिर्फ पापा से एक सवाल है, वैसे मम्मी से तो मैं बात कर चुकी हूँ फतेहगढ़ की। पापा जी, मैं मानस से काफ़ी बड़ी हूँ, 5-6 साल का फ़र्क है हम दोनों में, एंड ही जस्ट 22। तो आप क्या सोचते हैं पापा? देखो, ये जिंदगी जो है, अगर तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ है और लास्ट तक जाता है तो मानो तो तुमने निभानी है। हमारा रोल तो सिर्फ ये है, कुछ रास्ता दिखाना, कुछ समझाना, ये कुछ करना। आफ्टर ऑल अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड वाइफ की है।